This is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the another lecture in modern history and today we will be covering nationalist movement from 1922 to 1930. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था 1920 1920 में बेसिकली ठीक है तो 20 से 22 तक जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला ठीक है फिर इस ट्वेंटी में क्या होता है चौरे चौरा इंसिडेंट हो जाता है ठीक है चौरे चौरा इंसिडेंट हो जाता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में फेबररी स्पेसिफिकली फाइव फेबररी नाइनटीन में ठीक है तो इस चौरे चौरा इंसिडेंट के बाद जो गांधी जी हैं ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं इसको बंद कर देते हैं हालांकि इसके मतलब गांधी जी के इस डिसीजन से कई लोग जो हैं वो थोड़े नाराज़ भी थे जैसे सी आर दास जी मोतीलाल नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है तो ये जो है ये दिस हैपन्ड इन नाइनटीन जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फिर फिर क्या हुआ था ट्वेंटी के बाद 22 में ही इनफैक्ट गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था ठीक है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था वैसे तो छः साल के आ, की इम्प्रिजनमेंट इनको हुई थी बट ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशंस उनको 24 में 1924 में रिलीज कर दिया था ओके अब ये जो टाइम पीरियड था 1922 के ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड था बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई Uh, मतलब गांधी जी जैसा इंपॉर्टेंट लीडर गांधी जी जो हैं ही वॉज इम्प्रेजेंट जेल में थे गांधी जी ठीक है तो अब जो कांग्रेस मैन हैं उनको जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उनको अब कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी ये बेसिकली इसको कहा जाता है ट्रांजिशन पीरियड ठीक है कि गांधी जी अवेलेबल नहीं थे तो अब सबको पता नहीं चल रहा था सभी कन्फ्यूज थे कि अब किस लाइन पे क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था तो अब आगे स्ट्रगल को कैसे लेके जाएं वो थोड़ी देर तक लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा था ठीक है तो फाइनली हुआ क्या ये देखिए यही मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि देर वॉज अ डिस इंटीग्रेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन अमंग द नेशनलिस्ट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी इन नाइनटीन ट्वेंटी टू दट वॉट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी डन है ना कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अब लेना चाहिए अब हुआ क्या देखिए विद इन कांग्रेस ये मैंने जो हेडिंग लिखी है स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स की ये क्या है बेसिकली कि विदिन कांग्रेस क्या हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हुआ कि एक सेक्शन थी लीडर्स की जहां पे थे जो लीडर्स थे जैसे सी आर दास जी मोतीलाल नेहरू एन सी केलकर अजमल खान इनको कहा गया प्रो चेंजर्स और, और स्वराजिस्ट प्रो चेंजर या फिर स्वराजिस्ट इनका बेसिकली क्या था देखिए कि ये जो स्वराजिस्ट थे या जो प्रो चेंजर्स थे उनका क्या कहना था उनका क्या मानना था वो चाहते थे कि वो लेजिस्लेटिव काउंसल्स को ज्वाइन करें वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएं और इन ब्रिटिशर्स को या इन काउंसल्स को वो एक्सपोज करें कि भाई ये काउंसल्स एक्चुअली कुछ काम नहीं कर रही हैं इंडियंस के लिए उनका पर्दाफाश करें उनको एक्सपोज करें ठीक है वो चाहते थे या तो वो एंड कर दें या तो मेंड कर दें इन काउंसिल्स को एंड मतलब या तो उसको खत्म कर दें उन काउंसिल्स को ठीक है या फिर उनको मेंड करें मतलब वो इंडियंस के फेवर के लिए कुछ आ, कुछ चीजें लाएं ठीक है ये मानना था किनका प्रो चेंजर्स का ओके okay? तो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री क्यों चाहते थे ये हमने अभी हमने लास्ट लेक्चर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाइकआउट कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा था कि भाई हमने क्या करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाइकआउट कर देना है ठीक है तो अब इन लीडर्स ने कहा जैसे सी आर दास मोतीलाल नेहरू एनसी के उन्होंने कहा कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो बंद हो चुका है तो हमें अब चेंज लानी चाहिए ठीक है वी शुड ब्रिंग सम चेंज और हमें चेंज लानी चाहिए और हमें ये जो बाइकऑट किया है

प्रो चेंजर्स का जो स्वराजिस्ट भी जिनको कहा जाता है प्रो चेंजर्स और स्वराजिस्ट ठीक है तो आगे हम देखेंगे इन्हीं स्वराजिस्ट ने एक अलग से एक पार्टी बनाई स्वराज पार्टी ठीक है वो भी आगे देखते हैं ओके okay. इन्हीं के ऑपोजिट थे इन्हीं के ऑपोजिट एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें इंक्लूड थे लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद सी राजगोपालचारी एम ए अंसारी ठीक है एम ए अंसारी जो है बाद में देखेंगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं ओके तो ये जो लीडर्स थे जैसे वल्लभ भाई पटेल है राजेंद्र प्रसाद है राजा है एम ए अंसारी हैं इनको कहा जाता है नो no चेंजेस इनको क्या कहा जाता है नो चेंजेस नो चेंजेस का मतलब है कि कोई चेंज नहीं लानी है में नहीं लानी है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एक्चुअली चल रहा था उसमें यह था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बायकॉट करना है तो ये कह रहे हैं ये कह रहे थे वैसे ही रखो मतलब वी शुड बाईकआट द लेजिस्लेटिव असेंबलीज जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर था तो यानी कि दे डिड नॉट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ चेंज तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है नो चेंजेस कहा जाता है ठीक है तो नो चेंजेस जो है वो अभी भी अपोज थे काउंसिल एंट्री के ठीक है जैसे मैंने बताया दे एडवोकेटेड कॉन्टिन्यूशन ऑफ कि इसका बायकॉट ही रखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है उसकी क्वाइट प्रिपरेशन करते रहो और क्वाइट प्रिपरेशन किसकी करो फॉर ये जो सस्पेंड हो गया था जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट उसकी भी प्रिपरेशन उसकी रिज़म्पशन की उसको फिर से रिज्यूम करने की प्रिपरेशन रखते हैं हम ये कहा था क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही गांधी जी ट्वेंटी में अरेस्ट उनको किया था वैसे ही उन्होंने उसी टाइम उसी उससे थोड़ी देर पहले ही उन्हें उन्होंने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की घोषणा भी कर दी थी कि अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि भाई अब हम सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट करेंगे लेकिन उसी टाइम पे खैर चौरी चौरा हैपन्ड एंड उन्होंने फिर बंद कर दिया और उसके बाद उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और फिर उनको जेल हो गई थी लेकिन उससे पहले उन्होंने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट का माइंड बना लिया था गांधी जी ने दैट वॉज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कांग्रेस ओनली ठीक है तो अब यही जो नो no चेंजेस है उनका यही कहना था कि भाई आप हमें काउंसिल एंट्री नहीं करनी है और हमें क्या करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सटेंड करना है और सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को भी हम रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे ओके नाउ फाइनली व्हाट हैप कि दिसंबर 22 में जो गया सेशन था कांग्रेस का ठीक है ट्वेंटी में जो गया सेशन था कांग्रेस का उसके प्रेसिडेंट कौन बने सी आर दास बने ठीक है सीआर दास बने और सेक्रेटरी कौन थे मोतीलाल नेहरू थे इन्होंने क्या कहा इन्होंने फिर फिर से प्रपोजल रखा काउंसिल एंट्री का इन्होंने कहा कि भाई सब ये बात हमारी ये सारे ये बात मान जाए ये कौन है ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू कौन है प्रो चेंजर है, है ना स्वराजिस्ट हैं जो भी किया इन्होंने फिर से यही प्रपोजल रखा ठीक है इन्होंने कहा कि काउंसिल एंट्री होनी चाहिए लेकिन उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला उनको सपोर्ट नहीं मिला तो जब उनको सपोर्ट नहीं मिला तो फिर आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे जो कि स्वराजि थे या प्रो चेंजर्स थे उन्होंने क्या किया कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और एक नई पार्टी बनाई अपनी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी क्या नाम था पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और शॉर्ट में इसको स्वराज पार्टी भी कहते हैं ठीक है स्वराज पार्टी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये याद याद रखना आपने स्वराज पार्टी का ठीक है स्वराज पार्टी बनती है फर्स्ट जनवरी 1923 को जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं उसके सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू ठीक है ओके okay, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छा अब देखते क्या होता है फिर फिर क्या होता है कि आ, 23 के इलेक्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि जो स्वराजिस्ट्स हैं उनको 42 सीट्स जो हैं 101 इलेक्टेड सीट्स में से 42 सीट्स जो है स्वराजिस्ट्स को मिलती हैं ओके okay? अब फाइनली देखते हैं हम कि एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसा हो जाता है 1930 तक आते-आते वापस अब ये भी समझते वैसे ही घटना वैसे है, वैसा ही इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं करना चाहते थे तो फाइनली नाइनटीन में ये फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं ठीक है फाइनली फिर से जो जो नो नो चेंजेस या प्रो चेंजेस फिर से री हो जाते हैं ओके उसके बाद आता है जी साइमन कमीशन ठीक है साइमन कमीशन में क्या था देखिए साइमन कमीशन में क्या था कि वैसे तो जो साइमन कमीशन है ये आना था 1929 में ठीक है साइमन कमीशन जो है 1929 में इट वाज सपोज टू टू फॉर्म इन 1929 लेकिन अब देखिए उस टाइम पे ब्रिटेन में जो पावर थी वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की थी उस टाइम पे ब्रिटेन में ठीक है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की पावर थी तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ये लगा कि हम पहले ही कुछ रिफॉर्म्स अब ये साइमन कमीशन किस लिए था बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाने के लिए ओके तो okay. अब क्या हुआ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को लगा कि अब इलेक्शन जो है आने वाले हैं ब्रिटेन में इलेक्शन आने वाले थे ठीक है उनको लगा कि अभी लेबर पार्टी जो है वो पावर में आ जाएगी तो ऐसा ही होता था ब्रिटेन में या तो लेबर पार्टी जो है लेबर पार्टी या तो वो पावर में आती थी या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आती थी अब जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो इंडियंस के के लिए थोड़ा वो सख्त रहती थी थोड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाती थी लेबर पार्टी जो है वो थोड़ी लिबरल थॉट की थी वो थोड़ी लिबरल थी तो तो इन कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि लेबर पार्टी पावर में आ जाएगी अब नेक्स्ट इलेक्शन में तो उससे पहले पहले ही हम क्या करते हैं इंडिया में जी कुछ रिफॉर्म्स ला देते हैं ठीक है तो जो 1929 में जो ये कमीशन बैठना था उसको 1927 में ही ये कमीशन को ले आया गया ओके नाउ एट नवंबर 1927 को क्या हुआ था कि एक सेवन मेंबर कमेटी जो है जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया जिसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है ये साइमन कमीशन इनके चेयरमैन के नाम पे बना जिसका नाम था जॉन साइमन ठीक है इस कमीशन का जो हेड था उसने क्या किया एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी और इस रिपोर्ट में क्या था बेसिकली साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये किस लिए थी ये थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो अभी इंडिया में लाने चाहिए और अगर लाने चाहिए तो किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अभी इंडिया की जो के जो हालात हैं या इंडिया की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट बनानी थी कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स शुड बी बॉट और अगर रिफॉर्म्स लाए जाएँ तो वो किस लाइन्स पर लाए जाए किस तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं वो लाई जाए ठीक है तो ये हुआ था साइमन कमीशन में ओके बट हुआ क्या कि इस कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था ऑब्वियसली इस कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था तो इस वजह से इस कमीशन को टोटली बाइकऑट किया इंडियंस ने ठीक है काफी ज्यादा इसको इसको इंडियंस वर वेरी एंग्री बहुत गुस्से में थे दे वर वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिश ठीक है और इस वजह से उन्होंने क्या किया इस कमीशन को टोटली बाइकऑट किया था ठीक है बिकॉज देर वर ऑल वाइट इन द कमीशन ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि साइमन गो बैक के नारे लगे ऑल ओवर इंडिया ये लाला लाजपत राय जी की पिक्चर है

उस टाइम पे पूरी कंट्री में हमारी पूरी कंट्री में जो है हड़ताल चल रही थी मैसिव रैलीज जो हैं वो चल रही थी इस कमीशन के खिलाफ ठीक है स्लोगन्स चल रहे थे फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही थी ब्लैक फ्लैग्स बेसिकली लोगों ने काले झंडे लेके इस इस के खिलाफ इस कमीशन के खिलाफ जो है लोग सड़कों पे उतर आए थे हड़ताल कर रहे थे स्लोगन्स दे रहे थे साइमन गो बैक ठीक है अब लाहौर में क्या हुआ था लाहौर में थर्टी अक्टूबर 1928 की बात है कि यहाँ पे इस डिमॉन्स्ट्रेशन को लीड कौन कर रहे थे लाल लाजपत राय जी लीड कर रहे थे जिस वजह से इन इन पे काफी लाठीचार्ज हुई ठीक है तो इस लाठीचार्ज में वो इतने सीरियसली इंजर हो गए थे कि नवंबर 17 1928 को वीर गति, गति को प्राप्त होते हैं ठीक है तो इनकी डेथ हो जाती है लाल लाजपत राय जी की ओके इसी में साइमिन कमीशन के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा था उसमें ठीक है उसके बाद हम देखते हैं आ जाती है नेहरू रिपोर्ट देखिए हुआ क्या साइमन कमीशन जो है 27 में आता है जैसे मैंने आपको बताया साइमन कमीशन जो है कमेटी बैठती है 27 में ठीक है यहां पे जो वो 28 में आ जाते हैं फेब्रवरी 28 में जो साइन जो कमीशन है बेसिकली यहां आता है ठीक है इससे पहले ही ये बातें चल रही थी 1927 में जैसे ही साइमन कमीशन की बात चली तो क्योंकि ये ऑल वाइट कमेटी थी इंडियन मेंबर कोई नहीं था तो इंडियंस वर ऑलरेडी वेरी एजुकेटेड इंडियंस को वैसे ही अब दे, आप देख सकते हैं यहां मैंने लिखा है कि जैसे ही कमीशन आती है लैंड करती है वैसे ही कंट्री में ऑल ओवर ऑलरेडी हड़ताल चल रही होती है पूरी कंट्री बंद होती है मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे होते है ठीक है तो लोग ऑलरेडी काफी नाराज थे इस इस चीज से साइमन कमीशन से ओके अब हुआ क्या था व्हाट uh, हैपन कि यहाँ पे एक बर्किन हेड करके बर्किन हेड जो है बर्किन हेड वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ लिखा है मैंने ये लॉर्ड बर्किन ठीक है लॉर्ड तो क्या ही बोलेंगे खैर इसको तो लॉर्ड बर्किन जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जिसने क्या किया ये इसने देखा बिरकिन हेड ने देखा कि ये इंडियंस तो मान ही नहीं रहे हैं साइमन कमीशन आ रहा है और इतने मतलब इतनी एजिटेट कर रहे हैं इंडियंस तो बिरकिन हेड ने आप कह सकते हो गुस्से में एक चैलेंज दिया इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चाहते हैं आप ड्राफ्ट करिए कि आपको डोमिनियन स्टेटस चाहिए कि क्या चाहिए और हम आपको दे देंगे ये बिरकिन हेड ने एक टाइप का चैलेंज किया क्या मैं देखता हूं कि आप कैसे आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए इंडियंस के लीडर्स को बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और हम उस कॉन्स्टिट्यूश जो भी आप बनाएंगे जो भी आप डिमांड रखेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आप फ्रेम करेंगे उस उस फ्रेमवर्क को हम मान लेंगे ऐसा बिरकिन हेड ने कहा ठीक है ऐसा चैलेंज दिया उसने बेसिकली उसको लगा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते और काफी हद तक बात सही भी थी क्योंकि बिरकिन हेड को ये पता था कि इंडिया जो है बेसिकली यहां पे अगर कोई कोई रेजोल्यूशन कोई बात मानेंगे तो शायद वो मुस्लिम लीग को पसंद ना हो मुस्लिम लीग किसी चीज़ में हाँ बोलेगी तो हिंदू महासभा बोलेगी ये ठीक नहीं है हिंदू सभा हाँ बोलेगी तो सिख कम्युनिटी वाले बोलेंगे ये ठीक नहीं है तो ही ऑलरेडी न्यू कि यहाँ पे यूनिटी शायद यूनिटी नहीं है या फिर किसी कॉन्सेंस पे जो है इंडियंस नहीं पहुंच पाएंगे तो इस वजह से बिरकिन हेड ने एक चैलेंज दे दिया इंडियंस को कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए ठीक है और देखते हैं कि आप कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे ठीक है तो इसी चैलेंज के रहते और इससे इसी चैलेंज के रहते जो है ये नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में ठीक है ये नेहरू रिपोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं है उनके फादर मोतीलाल नेहरू के नाम से ये रिपोर्ट है क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को हेड किया था ठीक है नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 ओके इसमें क्या था इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो मीटिंग एक बिठाई गई फेब्री 1928 में ठीक है और एक कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई अंडर दी यही जो कमेटी अपॉइंट हुई इसी को जिसको नेहरू रिपोर्ट जिसमें फ्रेमवर्क बना चेयरमैनशिप किसकी थी मोतीलाल नेहरू की थी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ओके अब ये पहला आप ये देख सकते हैं कि दिस वॉज अ फर्स्ट मेजर स्टेप टू ड्राफ्ट अंस्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एज सच नहीं बना था ठीक है तो फर्स्ट स्टेप था ये टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री अब इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे तो इसमें तेज बहादुर सप्रू सुभाष चंद्र बोस एम एस एन ए मंगल सिंह अली इमाम ठीक है शुआब कुरेशी जी आर प्रधान जवाहरलाल नेहरू जैसे मेंबर्स थे ओके और ये जो रिपोर्ट है ये फाइनलाइज हुई अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट जो है फाइनलाइज हुई ठीक है स्टार्ट कब हुआ था काम फेबररी 28 में और अगस्त नाइनटीन ट्वेंटी में ये जो रिपोर्ट है ये फाइनली आप कह सकते हो फाइनलाइज हुई ठीक है अब इस रिपोर्ट के देखिए इस रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशन क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो रिकमेंडेशन आपने याद रखनी है वैसे तो बड़ी सारी रिकमेंडेशन थी इसमें नेहरू रिपोर्ट में बट आपने जो मेन जो इसमें जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि आप डोमेियन स्टेटस दे दीजिए ऑन द लाइन्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमेनियन अभी भी यहाँ पे देखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात अभी तक नहीं हो रही है 28 की बात है नेहरू रिपोर्ट की बात है तो यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसी बात नहीं रखी गई अभी सिर्फ क्या मांगा गया डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस के मतलब है कि जैसे आ, मतलब कि ब्रिटेन का ही रहेगा यूके का ही रहे, रहेगा लेकिन हमें लेकिन इंडियंस को जो है सेल्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने बनाने की परमिशन मिल जाएगी सेल्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस गवर्नमेंट बाय इंडियंस लेकिन जो हेड है वो वो ब्रिटेन वो यूके का ही रहेगा तो डोमियन स्टेटस मांगा गया सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यही थी बाकी और भी कुछ रिकमेंडेशन थी जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजरी पॉवर्स टू देंटर ठीक है कि जो जो बेसिकली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले जिसमें जो बाकी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास रहे ठीक है और सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने रिजेक्ट किया ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने रिजेक्शन दी इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंस बनाए जाएँ ये कुछ रिकमेंडेशनस थी फंडामेंटल राइट्स बनाए थे इन्होंने 19 फंडामेंटल राइट्स बनाए थे जिसमें इक्वल राइट्स ऑफ विमेन राइट टू फॉर्म यूनियंस एडल्ट यूनिवर्स एडल्ट सफरेज की बात की यहाँ पे ठीक है फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की एट देंटर विद अटॉन टू द प्रोवेंसेज ओके बाय कैमरल लेजिस्लेशन की बात की तो ये सारी बातें हुई ये सारी रिकमेंडेशंस रखी गई नेहरू रिपोर्ट में अब हुआ क्या कि इस नेहरू रिपोर्ट की ओपोजिशन में आ गए एज एक्सपेक्टेड बाय बिरकिन हेड जो बिरकिन हेड पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है इसकी ऑपोजिशन आएगी और वैसा ही हुआ मुस्लिम लीग ने इसकी अपोजिशन की हिंदू महासभा ने आप देख सकते हैं हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया सिख कम्युनिटीज़ ने इसको अपोज किया और इनफैक्ट इन्होंने तो अपोज किया ही इनफैक्ट जो कुछ जो यंग मेंबर्स थे कुछ यंग लीडर्स थे विद इन कांग्रेस उन्होंने भी इसको अपोज किया जैसे खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको अपोज किया ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको अपोज किया सुभाष चंद्र बोस ने इसको अपोज किया अब क्यों किया पर्टिकुलरली uh, बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने तो इसलिए अपोज किया इसको क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई डोमेनियन स्टेटस की बात क्यों कर रहे हो अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होनी चाहिए पूर्ण स्वराज की पूरा फ्रीडम चाहिए हमें डोमेनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए डोमेनियन स्टेटस तो ब्रिटेन का तो रहेगा ना फिर तो उन्होंने कहा कि भाई हमें डोमेनियन स्टेटस नहीं चाहिए अभी तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए ओके तो ये हुआ था नेहरू रिपोर्ट में अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आगे जो मैंने लिखा है यहां पे अब 1928 की हम ये बात कर रहे हैं ठीक है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो 28 में बनी थी लेकिन उससे पहले अब थोड़ा सा फिर 27 में हम चले जाते हैं जब साइमन कमीशन आया था ठीक है तब चले जाते हैं फिर से अब हुआ क्या था लेकिन दिसंबर 27 की बात है जब ये बात चली कि कोई ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि जिसमें जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनेगा जब ऐसी बात चली थी तब क्या हुआ था कि क्या मैंने बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनेगा ये जब बात चली थी उस टाइम पे जो मुस्लिम कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जो दिल्ली में मिले ठीक है बेसिकली मुस्लिम लीग के ये लीडर्स थे दिल्ली में मिले और उन्होंने क्या कहा उन्होंने कुछ मुस्लिम्स डिमांड रखी कुछ मुस्लिम्स के फेवर के लिए कि भाई जिससे मुस्लिम्स का आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो ठीक है तो कुछ ऐसे डिमांड्स रखी जो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है इसमें वो डिमांड्स इनकॉर्पोरेट हों ठीक है और ये जो प्रपोजल या ये जो डिमांड्स जो मुस्लिम लीग ने या जो लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग ने रखी इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया ठीक है? एक्सेप्टेड बाय मेड्रास सेशन ऑफ कांग्रेस और इसी को क्या कहते हैं डेली प्रपोजल तो आपको डेली प्रपोजल का भी पता होना चाहिए डेली प्रपोजल की डेट क्या है 1927 1927 ये देखो 1927 से 28 के बीच बहुत कुछ हुआ है तो ये डेट्स आपने याद रखनी है ठीक है क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं इसको ओके okay, इसकी ठीक है तो डेली प्रपोजल हुआ ओके okay. प्रपोजल क्या था डेली प्रपोजल में ये था कि जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी कुछ प्रपोजल्स रखे बेसिकली फोर प्रपोजल्स थे ठीक है ये प्रपोजल्स रखे जो कि

हिंदू महासभा की बात सुने की मुस्लिम लीग की बात सुने दोनों की बातें सुनना जरूरी था ठीक है तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो हम हिंदू महासभा की भी कुछ बातें सुन लेते हैं तो फाइनली इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की नेहरू रिपोर्ट में फिर कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हुई नेहरू रिपोर्ट में ठीक है तो फिर क्या हुआ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बिठाई गई अक्टूबर यहां पे सॉरी अक्टूबर में नहीं दिसंबर में दिसंबर नाइनटीन में फिर से नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए ठीक है अब क्या हुआ जी फिर से मोहम्मद अली जिन्ना आ जाते हैं अब मोहम्मद अली जिन्ना आ जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग ठीक है तो उन्होंने तीन अमेंडमेंट दी फाइनली एक रिपोर्ट बनती है जिसमें कुछ कंजिडरेशन हिंदू महासभा के जो लोग कह रहे थे उसमें कुछ कंजिडरेशन जो है वो डाली जाती हैं ओके डाली जाती हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना फिर आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो आते हैं वो कहते हैं कि तीन अमेंडमेंट थ्री अमेंडमेंट्स लाओ आप इस रिपोर्ट में ठीक है वो कहता है थ्री अमेंडमेंट्स लाओ ओके तो ये अमेंडमेंट्स क्या थी ये सारी तो याद रखना इतना इंपॉर्टेंट uh, नहीं है जैसे वो थ्री अमेंडमेंट्स में था जैसे वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर बोली बोला उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन दो मुस्लिम्स को बंगाल में पंजाब में ठीक है uh, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रेजिडुअल पावर्स दो प्रोविसेज को तो इस तरीके की बातें कुछ मोहम्मद अली जना ने रखीं ठीक है अब ये जो ये जो डिमांड्स हैं ये कांग्रेस ने या ये आप कह सकते हो मोतीलाल नेहरू ने इनकॉर्पोरेट नहीं की ठीक है जब ये डिमांड्स उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की तो फिर जिन्ना ने दिए अपने फोर्टीन पॉइंट्स ठीक है ये आपने याद रखना है कि जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना गेव फोर्टीन पॉइंट्स इन मार्च नाइनटीन ठीक है तो मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 डिमांड्स रखी थी इनको 14 पॉइंट्स भी कहा जाता है 14 डिमांड्स भी कहा जाता है ठीक है ओके okay. अब ये 14 आ, ये 14 14 पॉइंट्स पॉइंट्स क्या थे देखिए जैसे ओवरऑल बता देती पूरे 14 पॉइंट्स तो मैंने यहां नहीं लिखे हैं ठीक है तो इनका बता देती हूं ओवरऑल देखिए फोर्टीन पॉइंट्स में क्या था जैसे कि वो बात करते थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए ठीक है विद रेजिडल पॉवर्स टू ओके ये बात करते थे प्रोविंशनल की आप प्रोविसेस को अटोनमी दीजिए इसमें यह बोला मोहम्मद अली जिन्ना ने इन फोर्टीन पॉइंट्स में कुछ चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल भी थी और कुछ चीजें ठीक भी थी ठीक है ना तो ऐसा था अभी इन्होंने कहा जैसे वन थर्ड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए सेंट्रल लेजिस्लेशन में ठीक है और सेपरेट uh, इलेक्टोरेट की बात की ठीक है इन्होंने इन्होंने कहा कि आप फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज ये तो खैर ठीक पॉइंट था इनका ठीक है उन्होंने कहा कि आप टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए जिससे मुस्लिम मेजॉरिटी को कोई इफेक्ट ना हो जैसे पंजाब में बंगाल में नॉर्थ uh, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट फरंट, फ्रंटियर प्रोवेंसेज में ठीक है तो इस तरीके की कुछ जो है डिमांड uh, जो है फोर्टीन डिमांड्स बेसिकली रखी गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इन मार्च नाइनटीन 29. Okay? ये चीज़ आपने याद रखनी है। है right. उसके बाद आ जाता है इर्विन स्टेट्मेंट. इर्विन स्टेट्मेंट 31, 1929. इसमें क्या था की में जो 1929 में जो इरविन की स्टेटमेंट थी की की जो की थी, इसमें ये थी अब देखो क्या हुआ लेबर गवर्नमेंट एज एक्सपेक्टेड अब जो है पावर में आ गई ब्रिटेन में पहले कौन सी थी कंजर्वेटिव जब साइमन कमीशन आया था ठीक है उसके बाद ट्वेंटी नाइन में पावर में कौन आ जाती है लेबर गवर्नमेंट आ जाती है पावर में ब्रिटेन में ठीक है अब जो ये लेबर गवर्नमेंट आ जाती है पावर में इन्होंने क्या किया इसके अंडर क्या हुआ इरविन की स्टेटमेंट आती है ठीक है इरविन जो है उस टाइम पे वॉइस रॉय था ठीक है इसमें क्या है बेसिकली इरविन की स्टेटमेंट में जो इरविन है वो प्रपोज करता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कहता है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हम करवाते हैं किस लिए कि साइमन जो कमीशन आया था उस उसकी क्या फाइंडिंग्स थी तो बेसिकली साइमन कमीशन क्या क्या पॉइंट्स थे साइमन कमीशन के क्या फाइंडिंग्स थी उनको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है रखी जाएगी ये कहा इरविन ने ठीक है उस टाइम पे जो है लेबर पार्टी थी उस टाइम पे पावर में ब्रिटेन में और ब्रिटेन के

ठीक है अब आ जाता है ये अलग है ये आ जाता है डेली मैनिफेस्टो 1929 का सेकेंड नवंबर 1929 ठीक है इसमें क्या है डेली मैनिफेस्टो में अब देखो क्या हुआ एक कॉन्फ्रेंस थी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स की डेली मैनिफेस्टो के अंडर क्या हुआ था कि प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स जो थे उनकी एक आ, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी उनकी एक कमेटी बैठी ठीक है जिसको डेली मैनिफेस्टो कहा जाता है जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठेगी जो इरविन ने कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठेगी उन्होंने कहा कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी इसका पर्पज़ होना चाहिए कि इंडिया में डोमेनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट किया जाए कि इंडिया में डोमेनियन स्टेटस को लाया जाए ठीक है तो जो कांग्रेस है और उन्होंने ये कहा कि ये जो कांग्रेस है इसकी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी उसमें मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन किसकी होनी चाहिए कांग्रेस की और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि डोमेनियन स्टेटस इंडिया में दिया जाए तो इस चीज को वाइस रॉय ने रिजेक्ट कर दिया था ऑन डिसंबर 23 1929 ठीक है तो जो कॉन्जरवेटिव पार्टी थी ना पहले वो यही डर रही थी कॉन्जरवेटिव पार्टी ब्रिटेन में पहले यही डिस्कस कर चुकी थी यही डर रही थी कि जब लेबर पार्टी आएगी तो वो डोमेनियन स्टेटस दे देगी इंडिया को वो यही कह रही थी पहले तो फाइनली लेकिन इस इसने जो इरविन जो ये है हाँ जो इरविन है उसने ये इस चीज़, चीज़ को मना कर दिया इर वॉयसरा इरविन ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया ठीक तो है तो इंडियंस जो हैं जो हमारे जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस को डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिस जिस चीज़ को इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था ऑन ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन ओके नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लाहौर सेशन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी नाइन एंड पूर्ण स्वराज ओके लाहौर सेशन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी नाइन एंड पूर्ण स्वराज ओके इसमें क्या है कि देखिए जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो प्रेसिडेंट बनते हैं लाहौर सेशन के कांग्रेस के लाहौर सेशन के दिसंबर 1929 के जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया एज द एम ऑफ कांग्रेस क्या डिक्लेयर किया उन्होंने कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहिए हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें कोई डोमेनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो इससे पहले पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड या एम नहीं था इस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो है पूर्ण स्वराज की एम की डिक्लेरेशन की, की, की जाती है कह सकते हो कब की जाती है सेशन था लाहौर सेशन प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू ईयर था 1929 ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि पूर्ण स्वराज के डेक्लेन या तो ईयर पूछ लेंगे या तो सेशन पूछ लेंगे जगह लाहौर थी या तो ये पूछ लेंगे प्रेसिडेंट पूछ लेंगे ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके और इन्होंने यहां पर यह भी डिस्कस किया कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम बाइकऑट करेंगे और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने डिक्लेयर किया एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है ओके, okay, जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा थ्रू आउट इंडिया ओके तो दैट्स वाई देखिए आज की डेट में हम रिपब्लिक डे जो हमारा गणतंत्र दिवस है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बन के तैयार हुआ था एडॉप्ट किया था हमने 26 जनवरी को ओके okay? तो दैट्स वाई इसको हम 26 जनवरी कहते हैं ओके okay? तभी हम जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट कब करते हैं 26 जनवरी को ये डेट इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज दिस डेट होल्ड वेरी मच इंपॉर्टेंस इन आर हिस्ट्री ठीक है दैट वॉज क्यों क्योंकि 26 जनवरी को सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको डिक्लेयर किया था एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर तो 26 जनवरी 1930 ये डेट आपने याद रखनी है ये डेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओके देन इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये जो फर्स्ट पूर्ण स्वराज दिवस

नाउ उसी के बाद क्या हुआ ओके आफ्टर दैट इन डिसंबर थर्टी वन ट्वेंटी नाइन एट मिडनाइट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी ठीक है यानी कि लाहौर में ही ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वॉज होस्टेड ऑफ स्लोगलाब जिंदाबाद ठीक है तो फिर क्या हुआ था कि मिड नाइट में रात को मिड नाइट में ट्राई कलर जो है उसको फहराया गया ठीक है रावी नदी के किनारे और विद स्लोगन स्लोगन्स लगाए गए इनकलाब जिंदाबाद के ठीक है और इस टाइम पे जो हमारा जो फ्लैग था ठीक है उसमें अशोक चक्र नहीं था उसमें सेंटर में क्या था देर वॉज चरखा ठीक है चरखा था इन बिटवीन अशोक चक्र की जगह ठीक है तो ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको फहराया गया था रावी नदी के किनारे कब थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में ठीक है तो उसके बाद क्या किया गया जो ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन थर्टी को जो है डिक्लेरेशन की गई पूर्ण स्वराज जो है वो पब्लिकली एक आप कह सकते हो पब्लिकली नोटिस एक इशू किया गया कि ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइन्टीन थर्टी को पूर्ण स्वराज या इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा और इंडिपेंडेंस प्लेज जो है वो भी लोकल लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा Uh, आप कह सकते हो एक प्लेज ली गई इन द लोकल लैंग्वेज द प्लेज फॉर द प्लेज ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेज लेक्चर आज के लेक्चर की क्रोनोलॉजी आपने पूरी याद रखनी है ठीक है वी स्टार्टेड विद की 1922 में जो गांधी जी हैं 1922 में हमने हमने क्या स्टडी किया कि गांधी जी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था ठीक है जी तो फिर uh, क्या हुआ कि 1923 में फिर उसके बाद कोई लाइन प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी कांग्रेस uh, लीडर्स को तो ट्वेंटी में जो है क्या बनती है स्वराज पार्टी बनती है जिसमें हमने देखा कि स्वराजिस्ट जो हैं या प्रो चेंजर्स जो हैं वो स्वराज पार्टी बनाते हैं ठीक है थीके? 23 में उसके बाद क्या हो जाता है इनकी ये री हो जाते हैं 1930 में ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स ठीक है ये हमने स्टडी किया उसके बाद कि। हमने देखा कि 27 में जो है 1927 में जो है साइमन कमीशन आ जाती है ठीक है फिर हमने देखा कि 28 में 1928 में जो साइमन कमीशन है वो लैंड करती है बॉम्बे में ठीक है फिर 1928 में ही लाला लाजपत राय जी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है 28 में लाल लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है ठीक है फिर नेहरू रिपोर्ट जो है वो फेब्रवरी 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है ठीक है ओके आफ्टर दैट अगस्त 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है वो फाइनलाइज होती है फिर इरविन की स्टेटमेंट आती है जिसमें वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करता है इरविन नाइनटीन में ओके okay? उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो देखा हमने 1929 में ही नवंबर 1929 में दिल्ली मैनिफेस्टो आता है फिर लाहौर सेशन आता है 1929 में ही सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है लाहौर सेशन ऑफ 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की डेक्लेरेशन होती है ओके okay, पूर्ण स्वराज के डिक्लेरेशन होती है और ट्वेंटी जनवरी 1930 को जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया जाता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आपको लेक्चर uh, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए सो आई एल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बो बाय कीप स्टार्टिंग